हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस नॉलेज पर। आज मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 3। इसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करवा रहा हूँ। अभी तक 60 क्वेश्चन की वीडियो चलती रही है, अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर आपके सामने उपलब्ध हुआ हूँ, जिस पर प्रतिरोधों का संयोजन में श्रेणी क्रम फर्स्ट पे आपको बताया जाएगा। इस पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक तार है, इसमें कोई एक प्रतिरोध है, फिर इस पर ये दूसरा प्रतिरोध है, फिर इस पर ये तीसरा प्रतिरोध है। तो चूंकि एक नहीं तीन प्रतिरोध है, तो फर्स्ट वाले को मान लेते हैं R1 और सेकंड को मान लेते हैं R2 और थर्ड को मान लेते हैं R3। अब मैं एक बात आपको बता दूं, जब आपने कभी करंट बहाया होगा किसी तार पर, मान लो इस तार पर मुझे करंट बहाना है, मैंने इधर से करंट फ्लो कर दिया, तो जब ये तार एक ही तरफ मतलब ना कटा है ना कहीं से फटा है, तार बिल्कुल एकदम क्लियर है, तो हमारी जो धारा होगी वो कहीं बटने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। यदि हमारा तार यहाँ से टूटा होता और फिर हम इस तार को ऐड करते और फिर इधर ले जाते, तो शायद धारा वहाँ से बट सकती थी या फिर इस धारा को इधर ले जाते, परंतु इसमें जब हम ले जा रहे हैं धारा तो एकदम सीधी सीधी धारा ले जा रहे हैं, तो इसमें हमारी धारा बटने के कोई चांस नहीं है। तो इधर भी हमारी धारा आई बहेगी और इधर भी धारा हमारा आई जाएगी और इधर भी हमारी धारा आई जाएगी और यहाँ भी हमारी धारा आई पहुँच जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तार है जो एक मोटाई और एक व्यास का है, एक बराबर तार है और एक सीधे रूप में लगा हुआ है, कहीं इसको घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं एक बात आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूं, जब वैद्युत धारा आई अपनी तरफ से एक ही स्थिति में बहेगी, ना कि वह कहीं पर बटेगी और ना ही कुछ होगी। मान लो एक ही तार होगा, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, जहां पर धारा नहीं बटेगी वहां पर विभवांतर टूट टूट के लगेगा, जैसे कि यहाँ पर V1 लगेगा और यहाँ पर V2 लगेगा और यहाँ पर V3 लगेगा। ये क्यों लगेगा? इसका रीजन ये है कि इसमें धारा एक समान रूप से फ्लो हो रही है, कहीं पर धारा टूटती नहीं है। जहाँ पर धारा टूट टूट कर फ्लो होती है वहाँ पर विभवांतर एक समान प्रवाहित होता रहता है। मेरे कहने का मतलब, सीधे सीधे तार पर विभवांतर कभी भी अब एक ही समान रूप से प्रवाहित नहीं हो सकता, परंतु वैद्युत धारा सीधे सीधे तार पर एक समान फ्लो हो सकती है। कुल मिला के धारा और वैद्युत विभव का जो संबंध होता है वह उल्टा होता है। अब यह चित्र आपको समझ में आ गया होगा कि आपको चित्र में क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। बस आपको मान लेते हैं ए भी कोई तार है, बस इतना ही चित्र आपको बना के आ जाना है, सारे के सारे मार्क आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद आपको थ्योरी लिख क्या लिखनी है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। माना कोई प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिन पर वैद्युत धारा आई एक समान रूप से पूरे तार पर प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध R1 का विभवांतर V1 तथा R2 का विभवांतर V2 तथा R3 का विभवांतर V3 है। आशा करता हूँ कि ये थ्योरी आपके समझ में आ गई होगी। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। माना कोई ए भी एक तार है जिसमें एक समान रूप से, आप देख सकते हैं ये ए भी कोई तार है, इसमें एक समान रूप से धारा आई पूरे तार पर एक ही तरह बह रही है, जिसका प्रतिरोध R1 तथा दूसरा R2 तथा तीसरा R3 है, जिनके विभवांतर V1, V2, V3 हैं। आशा करता हूँ कि ये थ्योरी आपके समझ में आ गई होगी। इसे आप एक या दो बार रिपीट करेंगे, आपको कभी जीवन में भूलने वाली नहीं है, 100% आपके समझ में आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप वीडियो छोड़कर चले जाएंगे फिर बाद में मुझे कहेंगे कि मेरे समझ में नहीं आया, तो ये तो भाई गलत बात है। इसके बाद हम आते हैं ओम के नियम में। ओम के नियम की मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उस पर ओम का सत्यापन भी कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। ये सारे कुछ जो सिद्ध होंगे वह ओम के नियम से सिद्ध होंगे, तो आप लिखेंगे ओम के नियम से। आप जानते हैं कि ओम का नियम जो होता है वी बराबर होता है IR। आपको अच्छे से पता है कि जो ओम का नियम होता है वो क्या होता है, V=IR। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर आपको लिखना है प्रतिरोध R1 के लिए, क्या लिखना है, प्रतिरोध वैल्यू निकालनी है आपको R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए। प्रतिरोध R1 के लिए
तो इस फार्मूले पर आपको रखना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध R1 में R की वैल्यू क्या है, तो R1 है, धारा की वैल्यू क्या है तो I है, और V, V की वैल्यू क्या है V1 है। तो सबसे पहले R1 पे हमारी कंडीशन है कि V की वैल्यू जो है V1 है, तो मैं V के स्थान पर कर ले रहा हूँ V1। फिर इसके बाद हमारी जो कंडीशन है I, I की वैल्यू I है, तो मैं यहाँ पे I कर ले रहा हूँ। फिर इसके बाद R1 की जो वैल्यू R की वैल्यू है R1 है, तो मैं यहाँ पर R1 कर ले रहा हूँ। इसे मान ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर आपको फिर लिखना है प्रतिरोध R2 के लिए, क्योंकि आप R1, R2, R3 निकाले हैं, आप और भी आगे कर सकते हैं, लेकिन मैंने R3 तक निकाला है प्रतिरोध R2 के लिए। तो अब प्रतिरोध R2 के लिए आपको वही काम करना है, V जो प्रतिरोध R2 में है तो V2 है, तो मैंने यहाँ पे V2 कर दिया। इसके बाद इसकी भी धारा सेम है, तो मैं इसकी भी धारा सेम कर लिया। फिर इसके बाद जो R की वैल्यू है इसमें, तो ये R2 है, तो मैंने यहाँ पर इसको R2 कर लिया। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था सेकेंड, ये तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप मैं शायद दिख ना रहा हो तो यहाँ निकाल दे रहा हूँ प्रतिरोध आर थ्री के लिए। किसके लिए? आर थ्री के लिए। इसके बाद आपको आर थ्री के लिए जब निकालना है तो वी, अब आपको देखना है कि आर थ्री में वी की वैल्यू क्या है, तो वी थ्री है, तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ वी थ्री। इसके बाद आई की जो वैल्यू क्या है, तो आई है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आई। फिर इसके बाद जो प्रतिरोध आर की वैल्यू है वह आर थ्री है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आर थ्री। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड बन गया। इसमें हमने वैल्यू काहे की निकाली है, विभव की निकाली है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे तीनों समीकरणों को मिलाने पर कुल विभव। यहाँ पर लिखेंगे तीनों समीकरणों को मिलाने पर कुल विभव। तो यहाँ पर कुल विभव जब हम निकालेंगे तो V इक्वल टू एक फार्मूला होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि हमें सारे विभवांतर को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा V इक्वल टू V1, V1 की जो वैल्यू है वो मैंने निकाल दी थी IR1, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा IR1 प्लस V2 की जो वैल्यू थी मैंने निकाल दिया था IR2, तो यहाँ पर हो जाएगा IR2। फिर इसके बाद V3 की वैल्यू मैंने निकाल दिया था, वो हो जाएगी IR3, यहाँ पर हो जाएगा IR3। अब इसके बाद मैं आपको V की भी वैल्यू बता चुका था V बराबर IR, तो यहाँ पर मुझे पुट करना होगा V इक्वल टू IR, तो V के स्थान पर मैं लिख ले रहा हूँ I into R। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा सेम टू सेम इस तीनों पर I हमारा कॉमन दिख रहा है, तो इधर से भी I और इधर से I और इधर से I हमारा निकाला जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर I कॉमन ले लिया। इसके बाद जब मैंने इधर से I, अब इसके अपान में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप देख सकते हैं कि इस आई से इस आई को मैं यहाँ से कैंसिल कर दे रहा हूँ। आपका जो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, वो निकल कर आ चुका है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ से आप अच्छे समझ सकते हैं, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, वहाँ से आप कमेंट भी मुझे कर सकते हैं।